अयोध्या जनपद से ही जहाँ विकास खंड अमानीगंज के भखौलेपुरे काली पासी में बुधवार दोपहर लगी भीषण आग में 15 घर जलकर राख हो गए। ग्रामीणों और फायर दस्ते की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। प्राप्त सूचना के अनुसार दोपहर लगभग 1:30 बजे गांव के एक घर में अचानक आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते और आग को बुझाने का प्रयास करते, तेज हवा के चलते आग ने दर्जनों घरों को अपने आगोश में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि पल भर में ही समूचे गांव में चारों ओर चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने पुलिस व फायर दस्ते को इसकी सूचना दी, लेकिन जब तक फायर दस्ता पहुंचता दर्जनों घर जलकर राख हो गए। आग में गैस सिलेंडर भी फटे। हालांकि कोई ग्रामीण हताहत नहीं हुआ। कुसुमा पत्नी दिनेश कुमार, रजपता पत्नी ललन, पूनम पत्नी महेश कुमार, विंदेश्वरी पत्नी रमेश, कर्मावती पत्नी राजकुमार, आशा पत्नी घनश्याम, आशा पत्नी सीताराम, श्यामा पत्नी राम दुलारी, धर्मराजी पत्नी शिवप्रसाद, निर्मला पत्नी वासुदेव, भगाना पत्नी रामपति, रामकली पत्नी राम प्यारे, सीता पत्नी बलराम, राजेंद्र पुत्र पचई, जनक लली पत्नी राम निवास की घर गृहस्थी जल कर राख हो गए। सूचना पाते ही खंडासा पुलिस कानूनगो भोलानाथ शर्मा ने लेखपाल रामसूरत चौहान गांव पहुंच गए। राजस्व कर्मियों ने बचाव व राहत कार्य शुरू करते हुए आग से हुई क्षति का आंकलन कर तहसील प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी है। राजस्व कानूनगो भोलानाथ शर्मा ने बताया कि आग से 15 घर जलने, क्षति का आकलन कर रिपोर्ट तहसील प्रशासन को भेज दी गई है। सभी अग्नि पीड़ितों को आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी। अयोध्या जनपद से बद्री विशाल तिवारी की रिपोर्ट।